तेरे जो मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ पता है? की हो रहा है? गेमिंग की हो रहा है। गेमिंग होता पर इसको होता। Oh, so sad. क्या कहा था मैंने? इधर आस, इधर इधर आस, ओ इधर आस, दिख रहा है, दिख रहा है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? मैं हूं दिवाकर और स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो भाई, हर एक लड़के का सपना होता है कि भाई जिंदगी में एटलीस्ट एक बार गेमिंग पीसी खरीदे, और फाइनली भाई घर वालों की दुआ से मेरा वो सपना पूरा हो गया। तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला अपना गेमिंग पीसी, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो भाई इसी बात पर यार एक लाइक कर दो अभी के भी, अगर नहीं किया है तो कर दो, और भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो। भाई चलो चलते हैं बाहर, दिखाता हूँ आपको अपना नया गेमिंग पीसी, अपनी ज़िंदगी का पहला गेमिंग पीसी। तो यार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है मेरा नया गेमिंग पीसी, जो कि है भाई असूस GH15 GA15 ROG सीरीज रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। बहुत ही तगड़ा डेस्कटॉप है, आपको ये दिखाता हूँ मैं। इसके साथ मुझे एक गेमिंग कीबोर्ड फ्री मिला है और एक माउस मिला है। माउस नॉर्मल था, गेमिंग माउस नहीं, लेकिन कीबोर्ड बहुत मस्त है भाई। जो कीबोर्ड है ना, LED बैकलाइट कीबोर्ड है, मतलब ब्लैक रेड का बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन। दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ खोल के कि भाई ये पीसी दिखता कैसा है। खुल जाओ सिम सिम। भाई ये रहा मेरा नया गेमिंग पीसी, ROG की ब्रांडिंग है। अभी तक भाई मैंने इसके ऊपर से लैमिनेशन कुछ भी नहीं उतारा है, ये 2-3 दिन पहले मेरे पास आ गया था, लेकिन आज फाइनली मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक मैंने इसके ऊपर से कोई भी ये लैमिनेशन देख लो, कोई भी मतलब जो प्लास्टिक है ना, अभी तक वो उतारा नहीं है। अभी आराम से मिल के साथ में उतारेंगे, वीडियो में आपको दिखाऊंगा भाई पूरा सब कुछ। तो भाई इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करने से पहले यार इसकी अनबॉक्सिंग की जाए। अनबॉक्सिंग तो ऑब्वियसली हो गई है, लेकिन इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक लगा ना, उससे इसे मुक्त किया जाए, प्लास्टिक को यहाँ से निकाला जाए। अब बारी आती है इसको ऑन करने की, और इसको ऑन करने से पहले आपको बताऊं भाई, जैसे इसको ऑन करें ना भाई, जगमगा जाएगा ये पूरा। अभी दिखाता हूं मैं, ये आपने बटन दबाया और देखो भाई, रंग बिरंगी लाइटें है ना सही। और इसमें सबसे अलग चीज मुझे लगी वो है भाई ये हेडफोन स्टैंड, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से ऐसे खुलता है और इसमें आप अपने हेडफोन्स टांग सकते हो बिना किसी टेंशन के। भाई लग रहा है ना एकदम तगड़ा सेटअप। फिलहाल मैंने यार अपना ये सेटअप लॉबी में रखा है, टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यार जो मेरा मॉनिटर है वो ख़राब हो गया है, तब वो ठीक हो गया आएगा, उसके बाद अपने रूम में इसको अच्छे सेटअप करूँगा। तो फिलहाल मैंने सोचा कि यार क्यों ना यार आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। भाई मैंने जल्दबाजी में जैसा हो सका सेटअप अरेंज किया, पीछे वायरिंग को थोड़ा ध्यान मत दो, तो मतलब सोचा कि यार आपके साथ जल्दी जल्दी मैं शेयर करूँ इस चीज़ को। तो भाई इसलिए मैंने इसको भी टीवी के साथ आकर रखा हुआ है, तो मैं भी कल या परसों तक मेरे पास मॉनिटर भी आ जाएगा ठीक होगा, और उसके बाद भाई तगड़ी गेमिंग होने वाली है। अगर आप लोगों ने मेरे गेमिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। होपफुली अगर यहाँ पे वाईफाई लग जाता है, या फिर अगर भाई 4G इंटरनेट पे लाइव स्ट्रीम हो सकती है अगर, तो भाई बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग भी हम करने वाले हैं। लेकिन भाई एक चीज़ तो गारंटीड होगी भाई, अब से मेरी एडिटिंग इसी पीसी पे होने वाली है। भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इतनी देर से भाई पसीना पसीना हो गया, क्योंकि भाई हॉल में हमारे एसी नहीं लगा है, एसी रूम में लगा हुआ है, और टीवी यहीं पर लगा हुआ था, और अपने रूम पर तो फिलहाल इसको लेके जा नहीं सकता मैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, भाई इसके अंदर मालवानी क्या क्या है। तो भाई अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो भाई इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है AMD का Ryzen 5 3600X। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो वो है इसमें NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR6। इसमें 8 GB की DDR4 3200 MHz की RAM यूज़ की गई है, जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 64 GB तक। और स्टोरेज की बात करें तो भाई इसके अंदर 256 GB की SSD और साथ में है 1 TB की हार्ड डिस्क।
और अगर पावर सप्लाई यूनिट की बात की जाए तो भाई इसके अंदर यूज किया गया है 500 वॉट 80 प्लस का पावर सप्लाई जो कि शायद असूस का खुद का ही है। मदरबोर्ड की बात की जाए तो इसमें यूज किया गया है असूस का आरओजी गेमिंग मदरबोर्ड B450। कैबिनेट की बात करें तो भाई कैबिनेट देखने में तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, जैसे कि एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवी में जो प्रेडेटर्स थे ना, कुछ वैसी वैसी फील आती है, मतलब एलियन स्पेसशिप जैसा इसका लुक आता है। आरजीबी लाइटिंग दी गई है भर भर के जो कि बहुत ही ज़्यादा सही लगती है। अगर एयर फ्लो की बात की जाए तो भाई उसकी इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं है भाई, मतलब कि भर भर के एयर फ्लो मिलेगा सीपीयू के अंदर से बाहर जाने तक का, क्योंकि भाई फुल मैश डिज़ाइन है, ऊपर भी मैश है, नीचे भी मैश है, नीचे तो नहीं है, साइड में भी मैश है और सामने भी मैश है, और सिर्फ एक ही साइड मैश नहीं है जो कि अपना टेम्पर्ड ग्लास पैनल है वहाँ पे। तो भाई ओवरऑल बात की जाए तो भाई देखने में बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है ये सीपीयू। तो यार दोस्तों फिलहाल मैंने अभी इसमें गेम्स इंस्टॉल नहीं किए हैं क्योंकि यार भाई छोटा सा टेबल है उसमें, मतलब माउस रखने की जगह नहीं, कीबोर्ड अटका टुक रखा है किसी तरह, तो जब अपने रूम में इसको तगड़ा सेटअप कर लूँगा उसके बाद इस थोड़ी गेम्स डाउनलोड करूँगा और भाई तब चलेगी मस्त वाली एकदम मक्खन वाली गेमिंग। तो भाई इन शॉर्ट बात करूँ तो यार बहुत ही तगड़ा सेटअप है ये, इसमें मेरी एडिटिंग भी हो जाएगी, गेमिंग भी हो जाएगी और साथ मैंने और भी थोड़ी चीज़ें ली हैं भाई, बताता हूँ आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो भाई सब्सक्राइब करके रख लो भाई ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ मैंने और क्या क्या लिया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा गेमिंग पीसी पसंद आया, तो भाई अगर आप लोगों को मेरा गेमिंग पीसी पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और भाई अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।